की और मार्केट को खाली कराने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बगैर कोर्ट के ऑर्डर के मार्केट को खाली कराना ये गैरकानूनी है और दूध विक्रेता के पक्ष में तेजस्वी यादव वहां धरने पर बैठ गए हैं। तो दूध मार्केट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। बिना कोई विकल्पित व्यवस्था के किस बात का स्मार्ट सिटी, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। उस करोड़ क्या बनाएंगे यहाँ, वो तो बताए स्मार्ट सिटी। तेजस्वी यादव एक्शन में आ चुके हैं, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम तो जनता के साथ खड़े, उनको मारा गया है और रोड से ही संघर्ष शुरू होती है तो कहाँ जाए हम? कोई बात सुनने वाला हो तब तो। ये सरकार बहरी गूंगी जो सिर्फ गरीबों के पेट पर लात मारना चाहती है और अमीरों के लिए चमचाई करके भ्रष्टाचार पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है, अपराधियों के साथ रह करके पूरे बिहार में अपराध को बढ़ा दिया गया है। ऐसी निकम्मी सरकार है, पूरी रात यहीं बैठेंगे जब तक इनको आश्वासन नहीं मिलता वैकल्पिक व्यवस्था का और जब तक ये ऑर्डर नहीं दिखाते तब तक हम यहीं बैठेंगे। तो सुन रहे थे आप तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव दूध मार्केट पहुंचे हैं, मार्केट को खाली कराने पर वो बयान दे रहे थे। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बगैर खाली क्यों कराया गया, और ये भी उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि इसे खाली कराकर यहां क्या बनाया जाएगा। धरने पर बैठ गए तेजस्वी यादव। पापा के समय से हाँ हाँ वो तो दूध विक्रेताओं के साथ नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, धरने पर वहां बैठे हैं। कोर्ट का ऑर्डर या उसका परमिशन, सरकारी कुछ तो होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का पुलिस डिप्लॉयमेंट का नहीं है। दूध मार्केट का कहना है कि जो ये सरकारी जमीन है और अभी मजिस्ट्रेट कोई नहीं दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा कोई भी कागज। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं दूध मार्केट, वहां धरने पर बैठ गए। इनका कहना था कि ये सरकारी जमीन है और जिस तरीके से खाली कराया गया है ये गैर कानूनी है क्योंकि कोर्ट के आदेश नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये बताया जाए कि इस जमीन को खाली कराने के बाद यहां क्या बनेगा, क्योंकि ये जमीन सरकार की है। और इनका कहना है कि जो दूध विक्रेता है उनके साथ ज्यादती की गई है। आपको बता दें कि वहां मारपीट भी की गई, जब अतिक्रमण हटाने पुलिस वाले वहां पहुंचे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और उनके पक्ष में अब तेजस्वी यादव वहां धरने पर बैठे हैं और लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। परमिशन से उस समय मुख्यमंत्री थे लालू जी, सरकार का बनाया है, सरकार की जमीन, सरकार की संपत्ति और करोड़ों करोड़ रुपए का इसको तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और ये गरीब जो दूध की बिक्री करते हैं या मछली मार्केट है जो मछली बेचते हैं उनके लिए ये बनाया गया था। रैन बसेरा, शौचालय, बिक्री केंद्र, मंदिर को भी तोड़ रहा है। दूध मार्केट तोड़े जाने के खिलाफ तेजस्वी यादव अब धरना पर बैठ गए हैं। इन तेजस्वी यादव हैं, भोला यादव हैं, क्या कहेंगे आप धरना पर बैठे? जब तक इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तब तक हैं हम। अरे परमिशन नहीं है तभी तो काम रोका ना, यानी इससे पहले इलीगल काम कर रहे थे सरकार के लोग, किसके परमिशन पे किया, किसके परमिशन पे दूध और मछुआरों का जो विक्रेता केंद्र था वो तोड़ा गया, 10,000 लोगों का नुकसान किया गया बिना कोई विकल्पित व्यवस्था के, बिना कोई नोटिस के, मंदिर को तोड़ा गया, किसके परमिशन से? तो जवाब तो देना पड़ेगा, विकल्पित व्यवस्था करानी पड़ेगी, जो खमियाजा लोगों ने भोका है उसको पूरा करना पड़ेगा सरकार को। तब तक हम लोग बैठे हैं, अब बारिश होने वाला, मतलब धरना पर बैठे रहेंगे जब तक एकदम आश्वासन दे सरकार, कोई नुमाइंदा है बात करे तो दिखा, परमिशन तो दिखाओ, क्यों तोड़ा दिखाओ परमिशन। कमिश्नर से बातचीत हुई आपकी? बात ही नहीं कर रहे, हम तो फोन लगा रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे। मतलब सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है नीतीश कुमार जी के आदेश पर कि अधिकारी जो है कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रखना चाहता। आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई हैव राइट, हमारे पास अधिकार है मिला हुआ
कि जनता की समस्याओं को गिराना, सरकार के समक्ष लाना, लेकिन सरकार सामने आ ही नहीं रही। तो और कोई व्यवस्था हमारे पास तो है नहीं, सड़क पे बैठने के कोई विकल्प तो है नहीं। आपको लगता है कि हाईकोर्ट के बहाने सरकार जो है सो गरीबों को पहुंचा रहे हैं? कहाँ है वो ऑर्डर स्पेसिफिक, क्या ये तो सरकार की संपत्ति है, तो अतिक्रमण कैसे हुआ यहाँ? कहाँ है सरकार ने बनवाया है, हमारे पास कागज है, सबूत है। आगे आगे क्या करेंगे? आश्वासन दे, इनके लिए विकल्पित व्यवस्था करे, और जिसके गलती से यह हुआ है उसको सजा दे। तेजस्वी यादव डटे हुए हैं, इनका कहना है कि जिनकी गलती से ये हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए और जो गरीब हैं उनको बसाना चाहिए। आश्वासन दे सरकार की उसने जो भी किया है वो गलत किया है और जिनको उजारा है उनको बसाए। कैमरामैन प्रभा विकास के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कशिश न्यूज, खबर भी, असर भी।